रोहित केएल वो चुक चुक के उसको बाउंड्री से बाहर मार रहे थे। ओपनिंग की अगर बात करें तो मुझे तो पाकिस्तान की अच्छी लगी और इंडिया की डरा देने वाली लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? मैं भी ठीक। मैं मेरा आपसे सवाल है कि कल जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखने में आया, उसमें से आपको ओपनिंग जो थी, ओपनिंग जोड़ी, वो दोनों में से किसकी बेस्ट लगी, पाकिस्तान की या इंडिया की? इंडिया की। वो क्यों? आपने देखा नहीं उन्होंने आते क्या किया, आते ही उन्होंने किस तरीके से छक्के जोके मारना स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्ट में थोड़ा सा घबराए, लेकिन फिर वो घबराए कहाँ, वो फिर जो उन्होंने अपना जितना भी स्कोर बनाया, मैं इस चीज़ पे कल भी अपनी घर में भी डिस्कशन कर रही थी कि हमारा उनकी जो ओपनिंग थी ना और उनका जितना भी टोटल रन था वो चौकोपड़ी था। मतलब कि बहुत कम ऐसा हुआ कि उन्होंने रन लिए, उन्होंने चौकोपड़ी अपना रन सारा बनाया। ओपनिंग इंडिया की बेस्ट लगी है मुझे तो। पाकिस्तान जब ओपनिंग में था तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं हम हार ना जाएं। यार कल जो छक्के पड़े हैं वो आपने देखे हैं? कल तो नसीम भी ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा अपने नेट के अंदर बॉलिंग करवा रहा है, और वो रोहित केएल वो चुक चुक के उसको बाउंड्री से बाहर मार रहे थे। पावर प्ले के अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की ओपनिंग मेरे ख्याल से अगर हम बाबर की बजाय मतलब फर्स्ट के ऊपर जो है रिजवान को साथ फ़खर को साथ भेज देते तो हो सकता है कि ओपनिंग कॉम्बो भी बन जाना था, लेफ्टी राइटी का कॉम्बो बन जाना था। लेकिन पता नहीं क्या सूझी कि बाबर साहब ने खुद आना था और आगे पर चलना भी नहीं था। सही बात करूं तो विराट इन दिन हिंदुस्तान की ओपनिंग वाकई में अच्छी थी, मेरे लिए तो डरा देने वाली थी। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वाकई में हमें लगा था कि प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, लेकिन कुछ ही ओवर में डगमगा गई। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानी ओपनिंग की तो हमारे एक ओपनर जिसने हिंदुस्तानी टीम को तबाह बर्बाद कर दिया, मोहम्मद रिजवान, तो उस पर बड़ा हमें फ़ख्र भी है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि वाकई में फ़ख्र और बाबर तो नहीं चले, लेकिन हमारा असल फ़ख्र चल गया जिसने वाकई में हिंदुस्तान की टीम्स को एक बड़ा कॉम्पिटिटिव मुकाबला देखने को मिला। हमें देखें जो स्टार्ट हुआ था उस मैच में तो इंडिया की ओपनिंग जो है ना वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया और काफ़ी अच्छा हमने कम बैक किया और उनको कम स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान की साइड से देखा स्टार्ट में कुछ इश्यूज आए, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम ने कम बैक किया, नवाज़ ने जिस तरह बैटिंग की, फिर आसिफ अली ने छक्का लगाया तो बहुत मज़ा आया। ओपनिंग की अगर बात करें तो मुझे तो पाकिस्तान की अच्छी लगी और इंडिया की डरा देने वाली लगी। जी अच्छा, अगर बात की जाती है कैप्टन वर्सेस कैप्टन, दोनों में से कल कौन सा एग्रेसिव लगा आपको? यार सबको पता है, ये तो बात आपको पूछनी नहीं चाहिए। जितनी कोई थाउजेंड्स एंड मिलियंस से मीम्स शेयर्स हो चुकी हैं जिसमें एक तरफ एक चीखता हुआ चिंगाड़ता हुआ एलियन रग रहा है और साथ ही रोहित शर्मा को दिखाया जा रहा है, तो अग्रेसिव तो रोहित शर्मा साहब थे। बाबर आजम की जहां तक बात करें वो बड़े पोलाइट खेलते हैं अपने लड़कों के साथ। लेकिन ओपनिंग में कौन अग्रेसिव लगा, जैसे रोहित शर्मा ने आते साथ ही नसीम शाह जो हमारे बॉलर के मायने एक रीढ़ की हड्डी के मायने थे बॉलर, तो उनको आते साथ उन्होंने छिक्के चौके की बरसात कर दी उनके ऊपर, बेचारे यंगस्टर उन्हें प्रेशर में ले आए। वो देखिए वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो मतलब कि ये देख कहते हैं अगर नसीम शाह को खेलना है। आप ये देखिए हिंदुस्तान अपनी गलतियों से सीखता है, हम नहीं सीखते, कितनी अच्छी बात है ना। देखें हज़रत अली का भी कॉल है कि अपनी गलतियों से सीखने वाला सिकंदर माना जाता है, और जो नहीं सीखता अपनी गलतियों से तो वहीं पस होता है। इरफान खान फड़ान का पता था ना, जो लंबा था तो लोगों ने जब उसको देखा तो उसकी प्रैक्टिस की डेक्स पे खेल के उन्होंने बॉलिंग करवाई और वो जीते मैच को। तो ये वो बात है, हिंदुस्तान में एक चीज़ देखी जाती है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, और वाकई में हिंदुस्तान अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, चस पड़ी है यार कल के मैच में। इंडिया की जो ओपनिंग हुई है वो आपको किस स्टाइल में लगी, क्या एक ताबड़तोड़ ओपनिंग थी छिक्कों चौकों की बरसात नसीम शाह जैसे बॉलर पे होगी? हाँ बिल्कुल, जब हुई तो बड़ी वो टेंशन हुई कि यार ये कहीं हम मैच हार गए, तो पिछली बार भी मैच हार गए हैं, और उधर तो टीवी वगैरह तोड़ देते हैं, इधर तो पता नहीं लोगों ने क्या कुछ फिर तोड़ देना था। लग तो ऐसे ही रहा था क्योंकि पिछली बार लोगों में बड़ा गमो गुस्सा पाया जा रहा था कि पाकिस्तान मैच हार गया है, और इस बारी अगर मैच हम हार जाते तो फिर तो मेरे ख्याल से लोगों ने सड़कों पे निकल आना था। अच्छा अगर बात करते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन, क्योंकि उनका कैप्टन भी ओपनर आता है हमारा भी ओपनर, तो कल कौन ज़्यादा एग्रेसिव लगा फील्ड में? कल उनका कैप्टन ज़्यादा एग्रेसिव लगा मुझे फील्ड में, हमारा कैप्टन ठीक था। मतलब अच्छा बैटिंग में भी देखा जाए तो उनका जो कैप्टन ने आगे एक स्टार्ट दिया अपनी टीम को, ऐसा स्टार्ट आप बाबर से एक्सपेक्ट करते थे? हाँ बाबर अगर चल जाए तो फिर बहुत अच्छा प्लेयर है बाबर, और बड़ा मतलब लेकिन समय से बाहर है बाबर, आउट इतनी पहले भी नहीं इतना फॉर्म में नहीं खेला और अब भी इसी तरह था।
चौको या छक्कों पर, और हम लोगों के भी था अच्छा था एंड पर आ गया, हम लोगों ने भी धोनी लगाई एंड पर आ गया दो दो, जब दो दो हो गया तो लगा था कि यार नहीं हो सकेगा हमसे, जिस तरीके से वो टिप 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 लास्ट पर कर रहे थे, लेकिन हो गया, जीत गए और जीत का जश्न भी मनाया गया, बहुत मज़ा भी आया, टफ टाइम दोनों टीम्स ने दिया, लेकिन जैसे हमारे हसन अली ने छोड़ा वैसे ही उनके अशरदीप नाम है क्या नेम है, हाँ उनका, उन्होंने भाई कैच छोड़ दिया और कैच छोड़ने के बाद बस फिर वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बन गए बेचारे। बहुत दुख हुआ कल मुझे उन पर कि वो सोचते होंगे कि किस नफ्सियाती कौम से हमारा पाला पड़ गया है जिसे मीम्स बना बना के मेरा खाना ख़राब कर दिया, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर और ब्रदर ब्रदर और पता नहीं क्या क्या उस बेचारी पर बनाया हुआ था कि यार के काश मैं ना खेलता आज का मैच, उससे वो यही सोच रहा होगा बेचारा कि मैंने क्या कर दिया इस नफ्सियाती कौम के साथ पंगा लेके। खेल में तो यार अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अच्छा बात करते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी हो रहा है, ओपनिंग कैप्टन भी हमारे भी करते हैं, उनके भी रोहित शर्मा और बाबर, कल दोनों में से कौन सा आपको लगा कि ज़्यादा एग्रेसिव था? कौन ज़्यादा एग्रेसिव था? रोहित शर्मा, रोहित ही था, रोहित ही था वो, इस तरह उसने आता था नसीम शाह को, जैसे वो मीम बन रहा था कि कल ही जैसे आपको पता है एक मीम बन रहा था कि बाबर से पूछा गया कि भाई आप इतने काम डाउन कैसे थे जब हसन अली ने कैच छोड़ा, लेकिन जो रोहित था वो सिंह साहब पर जो है वो चला रहे थे, तो आप वो कैसे इतने काम डाउन, आप कैसे इतने काम डाउन थे, आप रोहित शर्मा को कोई टिप देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं रोहित शर्मा का अगर बना कोई कोच वगैरह तो इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो वो यही हिसाब है कि रोहित शर्मा अगर हो जाता है इंसान पाकिस्तान और इंडिया का, आपको पता है मैच जो प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है पूरी अवाम, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया, हर बंदा बंदा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए बहुत ज़्यादा कहने एग्रेसिव भी होता है, एक्साइटेड भी होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं, वो बस क्या क्या के चक्कर में ना वो दोनों टीम्स पर इतना प्रेशर होता है ना कि कोई समझ नहीं आती। पहला टाइम उन्होंने भी अच्छा खेला, उन्होंने भी मैच जीता, फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खेला, हम लोगों ने भी अच्छा खेला और अच्छा जीता। अच्छा आप कल की ओपनिंग को क्या रेटिंग देंगे इंडिया और पाकिस्तान? मैं इंडिया को रेटिंग ज़्यादा दूंगा क्योंकि वो अच्छा खेले, देखें 10 में से रेटिंग दे, 10 में से 9 दूंगा मैं उनको ना, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, ओवरऑल देखा जाए हमने बहुत अच्छा खेला, अच्छा खेले तो जीते हैं यार, वो नहीं कह सकते हम। हाँ जी, और पाकिस्तान को क्या रेटिंग देंगे ओपनिंग की? पाकिस्तान रेटिंग 7, बाबर को थोड़ा सा जल्दी है, उसको रुक कर खेलना चाहिए, तो बाकी इंशाल्लाह अगले मैचेस में कमबैक करेंगे। यह पता नहीं क्या बात है, और मैं आपको कैमरा चल रहा है, मैं खुद भी ये क्रिकेट के ऊपर वीडियोस करता हूँ, मगर आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे लगता है कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन ही नहीं बनता, मैंने किया था लेकिन अब मुझे लगता है कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन ही नहीं बनता। यार प्लेयर्स के ऊपर एक मुश्किल वक्त जो अप्स एंड डाउन आते हैं, कोहली जैसा प्लेयर जो 3 सालों में कोई सेंचुरी नहीं कर सका, तो बाबर अभी यंगस्टर हैं, अभी बाबर ने उसके मुकाबले में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली यार, लेकिन आप देखो ना, अगर आप एक बंदा आपको देखो कोहली के ऊपर बुरा टाइम था, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, पिछले मैच में भी उसने 30+ बनाया, इस मैच कल वाले मैच में भी उसने 50 कर ली, तो ये क्या सीन है भाई? क्या आज जो है पाकिस्तान के, जब बाबर पिछली दफ़ा भी मेरा ख्याल है 9 पे आउट हो गए या 13 पे आउट हो गए, और कल भी इतने भी आउट हो गए, यही वो बाबर थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ दोनों जोड़ी ने पूरा स्कोर चेस कर, वो एक दफ़ा चल गया ना 152 हो गया, तो बार बार नहीं हो रहा वो, रिजवान देख रहे हैं, रिजवान की फॉर्म वही है, रिजवान ने तब भी मारा था, रिजवान ने पिछले मैच में भी मारा, रिजवान ने कल वाले मैच में भी मारा। अच्छा अगर दोनों कैप्टन का कंपैरिजन किया था, कल आपको मैच में कौन एग्रेसिव ज़्यादा लगा, रोहित के बाबर? कैप्टनसी की अगर बात करेंगे तो वो बाबर की ज़्यादा अच्छी थी कि बाबर ने ओपनिंग जोड़ी की बात करें, ओपनिंग जोड़ी में तो यार फिर जाहिर है कि उनका आपने स्कोर देखा था कि पावर प्ले के अंदर ही किधर पहुँच गया था, पाकिस्तान का स्कोर जो था वो किधर था, ये तो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जैसे मैच का उन्होंने आगाज किया, जैसे उन्होंने एक स्टार्ट दिया अपनी टीम को, आपको क्या लग रहा था? बहुत अग्रेसिव स्टार्ट था, एट द स्टार्ट ऑफ द मैच ऐसे लग रहा था कि 200 क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो 10वें ओवर के बाद ऐसी एकदम पलटी मारी, 10वें ओवर में उनका 190 something स्कोर था, लेकिन ऐसी पलटी मारी है कि आपने देखा फिर के उनको आपने किधर ला के रोक दिया, 182 पे समथिंग रोक दिया आपने। अच्छा अगर बात की जाती है के राहुल और रिजवान दोनों की बात, कौन सा अच्छा? दोनों अपने ऊपर जो है वो अपने अपने तरफ बेस्ट हैं, लेकिन रिजवान की क्लास आपने देखा होगा, इंजर हो गए भी उसने ऐसे ऐसे छिक्के मारे ना घुमा घुमा के, वो केएल होता तो कभी भी ना मार सकता। लेकिन के राहुल की परफॉर्मेंस के वाले से क्या बताना चाहेंगे कि IPL में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अब पाकिस्तान नो डाउट वो अरसे से चल नहीं रहे, लेकिन आपको क्या लगता है यार एक प्लेयर होने के नाते वो किस तरह का एक प्लेयर है, मतलब कि उसकी जो क्रिकेट है वो किस तरह की है? यार अगर हम स्पोर्ट्समैन को देखें ना, तो स्पोर्ट्समैन का कोई भी जो है वो मतलब बाउंड्रीज नहीं होती कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, एक न्यूट्रल होगी, हाँ न्यूट्रल होकर बात करते हैं स्पोर्ट्समैन के बारे में। के राहुल नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं वो अच्छे लगते, पता नहीं कोई पर्सनल मुझे बात उनसे लगती है,
या पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी होता तो मैं कोहली की भी कभी तारीफ ना करता। बाबर कोहली के मुकाबले का नहीं है भाई, ये बात मान जो, पता नहीं क्यों उसका मुकाबला करते हो कोहली के साथ। कोहली एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। दो चार मैचों के लिए फॉर्म चली गई तो क्या हुआ, आ गई है ना फॉर्म वापस, आप घुमा घुमा आगे फिफ्टियाँ मार रहे हैं ना, तब लाओ बाबर को आगे। बाबर जो 10 नहीं पार कर पा, बाबर भी आएगा वापस कोई नहीं, पहले 10 पार कराओ अपने प्लेयर को, सपोर्ट तो करते। जिम्बाब्वे लाओ पहले, जिम्बाब्वे लाओ फिर वो मारेगा। मैच एक ऐसा मैच हो गया था, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिस मैच की पूरी दुनिया को उम्मीद थी, जिस सिचुएशन की वो सिचुएशन पैदा की है उन्होंने कल के मैच में। मैं आपको सीरियस बात बताता हूँ, कल के मैच में अगर कोई ये बोले ना कि सट्टा लगा था या फिर जुआ था तो बिल्कुल नहीं है यार। दोनों ही टीम, मैं कहता हूँ विराट कोहली ने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की है, उसको उसकी टीम उसकी बात नहीं मानती। जब तक वो कैप्टन रहा था इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ा अग्रेसिव था। रोहित शर्मा में वो पैशन नहीं है। MS धोनी की आप मिसाल देते हैं, MS धोनी को आप अपना मेंटोर मानते हैं, तो फिर आप कैसे आप रोहित शर्मा को लेके आ सकते हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रिजवान और बाबर, बाबर से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो उस उम्मीद पर पूरा नहीं उतर पाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने मैच जीता। यही चीज़ है कि सुपर फोर हो रही है और इसमें श्रीलंका अहम मैच है जो पाकिस्तान उनसे मैच आ रहा, वो इतना कोई अहमियत का हामिल नहीं था। उसमें पाकिस्तान को एक चांस था हांगकॉन्ग से जीने के, लेकिन ये सुपर फोर का मैच था, ये एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था दोनों टीमों के लिए, बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था। और वाकई में अब दोनों को जो है ना अफगानिस्तान और श्रीलंका को हराना पड़ेगा तब फाइनल में जाने के लिए। और ये दोनों ही टीमें बड़ी अच्छा खेलती हुई आई हैं, हमने देखा अफगानिस्तान ने बड़ा कमाल किया है जो हमने नहीं देखा। आपको सही बताऊँ, मुझे जैसे कि फीलिंग्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान वाकई में पाकिस्तान को भी परेशान करेगा और वाकई में ये हिंदुस्तान को भी परेशान करेगा और वाकई में। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आपको जो आप चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया दोबारा सेमीफाइनल, बिल्कुल 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 ऐसी मजे का खेल, मजे का खेल भाई। प्रेशर प्रेशर बिल्डअप होता है, अपने लोग बच्चियाँ छोड़ के, अपनी बीवियाँ छोड़ के, घराना छोड़ के बैठे हुए होते हैं सर। अच्छा चलें बात करते हैं KL राहुल वर्सेस रिजवान। KL राहुल तो ओपनिंग सर मिसाल, एक प्लेयर के स्टाइल की बात होती है लेकिन मिसाल की भाई रिजवान जैसा नो डाउट प्लेयर जो इंडिया के खिलाफ पहले भी चला, दूसरे मैच में भी चला, फिर एक वर्ल्ड कप में मैच में अब भी चला और अब भी मतलब कि इसने परफॉर्मेंस दी है। और KL राहुल की बात करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इस टाइम थोड़ी मुश्किल में आ रहे हैं, हर दफ़ा जल्दी आउट होते हैं, लेकिन जो एक स्टार्ट दिया था अपनी टीम को तो डर तो आपके दिल में भी आया और मेरे में भी आया कि 220 प्लस हो ही जाना यार। मैं एक बात करूँ आपको, वो प्लेयर खड़ा हो तो स्कोर कर सकता है, खड़ा हो तो कर सकता है लेकिन ये कभी कभार चलने वाले प्लेयर हैं। हम अफरीदी को भी बड़ा मानते थे लेकिन अफरीदी आता था चला जाता था, KL राहुल भी ऐसे ही है। इनको मैं प्लेयर्स नहीं मानता, माजरत के साथ, जो प्लेयर्स कभी कभार के चले ना वो प्लेयर्स नहीं होते, प्लेयर्स रिजवान जैसे होते हैं।